गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी की एक्सरसाइज नंबर 2 यानी कि 8.21। ठीक है, देखो इसमें करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले क्या हैं देखो जरा। सबसे पहले प्रॉफिट को हम निकालते कैसे हैं, तो प्रॉफिट हमारा देखो जब आता है, जब एस पी आपका क्या हो, एस पी आपका ज़्यादा हो, क्या हो, मोर हो, और CP क्या हो, लेस यानी कम हो, जब आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, जब प्रॉफिट ही तुम्हारा, प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा SP माइनस CP यानी कि ज़्यादा वाले में से कम वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों। उसके बाद फिर इसको प्रॉफिट को किस में निकालेंगे, परसेंटेज में, किस में निकालेंगे, परसेंटेज में। तो उसके लिए प्रॉफिट ऊपर नीचे CP इंटू 100 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो लॉस में करेंगे तो लॉस में जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है कि सीपी इसमें आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा मोर, और एसपी क्या होगा आपका, लेस। ये ध्यान रखें। अब फॉर्मूला जो है इसका परसेंटेज निकालने का, वो बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे प्रॉफिट का है वैसे, यानी लॉस अपॉन क्या जाएगा, सीपी। लॉस ऊपर, नीचे क्या है, सीपी इंटू क्या है, 100 इस तरीके से। अब देखो अगली बात आती है कि हमको अगर सीपी निकालना है क्वेश्चन में, क्या निकालना है, सीपी, और हमको दे क्या रखा है, हमको दे रखा है एसपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे उसको, तो सीपी इज इक्वल टू 100 ऊपर रखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा हुआ। मान लो कोई 500 का एसपी दे रखा है हमको, सपोज करो कि हमारा एसपी जो है 500 है और परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो आपका 10% है, और हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्या निकालना है, सीपी। तो सीपी का जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, 100 ऊपर 100 प्लस जो प्रॉफिट है वो 10 इंटू एसपी कितना हमारा 500, तो इसको 100 अपॉन 100 10 इंटू 500, और इसको क्या कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो यानी कि जब हमको प्रॉफिट दे रखा हो और क्या दे रखा हो, एसपी दे रखा हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। और फिर अगर हमें इसी का यानी कि सीपी निकालना है, लेकिन हमको क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो 100 ऊपर लॉस तुम्हारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि लॉस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और इंटू क्या जाएगा, एसपी। जस्ट इसके अपोजिट दूसरा वाला फॉर्मूला होता है एसपी निकालने का, कि जब हमारे पास प्रॉफिट दे रखा होता है, क्या प्रॉफिट दे रखा होता है, तो हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है, सॉरी, प्रॉफिट दे रखा था, हमें एसपी निकालना, तो सीपी दे रखा होगा, तो 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। नेक्स्ट 100 माइनस लॉस, यानी कि वही है कि यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ऐसे इसमें रहेगा सेम, और जहां पर सीपी है वहां एसपी आ जाएगा, जहां एसपी वहां क्या जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन सारे फॉर्मूलों का क्या होगा, इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसके फॉर्मूले लिख दिए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो यार, इसको हमने क्या किया, लेट द, यानी कि लेट द ओल्ड सैलरी, यानी कि पुरानी सैलरी जो है उसको हमने 100 मान लिया। ठीक है, यानी कि 100, या फिर इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लो। ठीक है, सबसे बेटर रहेगा। सैलरी इंक्रीज कितनी हुई, तो पिछली 100 प्लस 10 110% आ गई। ठीक है, अब देखो यार, 110% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 1,54,000। ठीक है, तो अब देखो यार, ओल्ड सैलरी यानी कि पुरानी सैलरी कितनी आ जाएगी, तो वही 110 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,54,000। तो इसको करेंगे तो एक्स ये रहने दो, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1,54,000 इंटू 100 अपॉन 110, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से काटेंगे इसको, तो 140। ठीक है, और 2। तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका, कि देखो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है आपका, कि ऑन संडे 845 पीपल्स वेंट टू द जू, यानी कि जू देखने के लिए 845 पीपल्स गए। ठीक है, और मंडे को 169 गए सिर्फ बस, तो आपको देखना है कितने परसेंट डिक्रीज हो गए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन संडे कितने पीपल्स गए, वैन टू जू, तो ये गए 845। ओके, और मंडे को
कितने लोग गए? वेंट टू जू 169। तो देखो डिक्रीज कितने हो गए इसमें, आपको निकालना है डिक्रीज। तो 845 में से 169 माइनस कर दो, 676 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो 676 ऊपर, 845 नीचे इंटू 100। ठीक है, इसको देखो काटेंगे, दोनों एक ही टेबल से काटेंगे, तो ये 4 बार और ये 5, 5 से जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 80%। यानी कि 80% लोग क्या हो गए उसमें? कम हो गए आपके। ठीक है, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक शॉपकीपर जो है 80 आर्टिकल्स खरीदता है फॉर 2400। ठीक है, यानी इतने रुपए में 80 आर्टिकल्स सेल देम ए प्रॉफिट ऑफ 16%, यानी 16% पर उनको बेच देता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। अब देखो वहीं पर वो क्वेश्चन आ गया आपके कि आपको सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लो कि सीपी कितना दे रखा है आपका? 2400। ठीक है, और एसपी हमको मालूम नहीं है, और प्रॉफिट कितना दे रखा है? तो प्रॉफिट दे रखा है हमको 16%। तो देखो हम एसपी निकालेंगे कैसे, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू क्या जाएगा? सीपी। इस तरीके से अब 100 हमारा प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट हमारा 16% अपॉन 100 इंटू 2400। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 116 इंटू 24 मल्टीपल कर देंगे, तो 116 इंटू 24 फोर टू सिक्स फोर 12 4872 2784। यानी कि उसका सेलिंग प्राइस देखो 2784। लेकिन इसमें छोटी सी और है कि सेलिंग प्राइस जो पूछ रहा है वो वन आर्टिकल्स का पूछ रहा है। कितने का? वन आर्टिकल। और ये जो आया है आपका वो सेलिंग प्राइस जो आया है वो आया 80 आर्टिकल्स का। कितने का? 80 आर्टिकल्स का। तो हम क्या करेंगे कि वन आर्टिकल्स का निकालना है। ठीक है, तो वन आर्टिकल कैसे निकालेंगे? तो एस पी ऑफ वन आर्टिकल, तो वन आर्टिकल का देखो तो 2784 इसको क्या करेंगे? 80 से डिवाइड कर दो। जब 80 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2784 डिवाइडेड बाय 80 324084 64। ठीक है, 0 ये, यानी कि इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 34.80 रुपीज। यानी इतने रुपए का इसका क्या है? ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 रुपीज। यानी कि एक कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है उसकी कॉस्ट, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 15,500 रुपीज है, और 450 रुपीज जो क्या है उसके रिपेयरिंग पे खर्चा हुआ है। रिपेयरिंग का मतलब क्या है? उसके मेंटेनेंस वगैरह में। ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितना है? 15% प्रॉफिट पे बेच दिया उसको, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो देखो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पहले इसके फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो क्या है एसपी का फॉर्मूला, तो सबसे पहले इसको स्टेटमेंट लिख लेंगे, यानी कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या है? तो 15,500 रुपीज आएगा। ओके, अब देखो क्या करेंगे, रिपेयर यानी कि उसके मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है? तो वो हुआ है 450, तो इसको प्लस कर देंगे, यानी कि 15,950। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा पूरा, टोटल टोटल सीपी। ठीक है, अब क्या है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है ये देखेंगे। तो प्रॉफिट दे रखा है 15%। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? एसपी। अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो एक चुटकी में कर देंगे। ठीक है, कि एसपी बराबर क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज
अपॉन 100 इंटू क्या है सीपी, सिंपल। अब देखो क्या है, 100 में 15 जोड़ देंगे, परसेंटेज आ रहा है, अपॉन में 100 और सीपी कितना हमारा, तो सीपी ये रखेंगे, ये वाला नहीं रखेंगे, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये रख देते हैं, ठीक है, इसको नहीं रखना है क्योंकि रिपेयर इसमें जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा वो है आपका, ठीक है। तो 15950, ओके, सॉल्व करेंगे 115/100 इंटू 15950, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 टू जा 5 थ्री जा 5 से 2 बार, 2 से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, यानी कि 1595 इंटू 11.5, इसको मल्टीपल, तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 47, 5 5 जा 25, 29, 7, 5951, 5951, प्लस कर देंगे 5, 12, 18, 23, 23, 24, 2 और 9, 9 और 5, 14, 14, 9, 23, 2, 8, ओके, तो इसका सेलिंग प्राइस, राइट, सेलिंग प्राइस जो आएगा वो आएगा 18,34.25, सॉरी ये, ठीक है, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कि एक बीसीआर और टीबी, क्या एक बीसीआर और टीबी जो है वो 8,000 रुपीज में ईच, ईच का मतलब क्या है कि बीसीआर भी 8,000 रुपये में खरीदा गया और टीबी जो है वो भी 8,000 रुपीज में आपका खरीदा गया। अब शॉप कीपर मेड ए लॉस, यानी कि शॉप कीपर को क्या हुआ, दुकानदार को एक को तो एक पर बेचने पर तो लॉस हुआ उसको, कितने परसेंट का, 4% का, और एक पर प्रॉफिट हुआ 8% का, ठीक है, 4% और 8%। तो अब ये कह रहा है कि भैया पूरे जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी, ठीक है, उस पर उसे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बताइए। दो कैसे करेंगे, सबसे पहले बीसीआर, तो यहाँ लिखेंगे द सीपी ऑफ बीसीआर 8,000, ओके, और इस पर क्या हुआ है बीसीआर पे, इसको लॉस हुआ है, और लॉस कितना हुआ है 4%। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं सीपी, सॉरी एसपी निकाल रहे हैं हम, किसका, बीसीआर का, तो एसपी ऑफ बीसीआर, तो कितना आएगा, तो वही है 100 माइनस लॉस अपॉन 100 और यहां पर सीपी। तो आपको जब तक फॉर्मूला याद नहीं होंगे तब तक कुछ भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, 100 माइनस 4 अपॉन 100 इंटू सीपी, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 96/100 इंटू 8,000 जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 6 जा 48, सॉरी 8 9 जा 72, 72 और 4 76, यानी कि ये इसका क्या आ गया, ये इसका एसपी आ गया, ठीक है, बीसीआर का। ऐसे ही सेम एज उसका निकालेंगे द सीपी ऑफ टीवी, कितना था 8,000, अब इस पर क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ 8% का, 8% का प्रॉफिट, तो हम क्या निकालेंगे एसपी, एसपी वही फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो देखो बच्चों 100 और प्रॉफिट कितना आया 8 अपॉन 100 इंटू 8,000, 2020 कैंसिल, सॉरी तो 10 बचेगा इसमें, तो 8 into 80, 8 8 64, ये तो ये किसका जाएगा इसका। अब देखो करना क्या है, एसपी इसका आ गया, एसपी इसका आ गया, अब क्या करेंगे कि टोटल क्या करेंगे, टोटल देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल सीपी, टोटल सीपी क्या होगा, देखो 8,000 तो ये है और 8,000 क्या आपका ये, तो कितना हो जाएगा
16,000 टोटल ट्रांजैक्शन पे चाहिए हमको, और टोटल एसपी, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। 7680 8640 जी 16,32, ठीक है, इस तरीके से। अब टोटल ट्रांजेक्शन को देखें, देखो सीपी क्या हमारा लेस है और एसपी क्या हमारा मोर, तो हमें क्या आएगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हुआ है ये देखेंगे, तो प्रॉफिट हुआ हमें 16,320 माइनस 16,000, तो ये हुआ 320, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज में, तो 320 ऊपर और सीपी, यानी सीपी कितना है, 16,000 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 1 से 1 और इससे ये, तो होल ट्रांजैक्शन पे 2% का क्या है हमें, प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगर एक चीज़ उसकी लॉस में गई है, एक चीज़ किसमें, प्रॉफिट में उसने बेका, लेकिन टोटल ट्रांजैक्शन देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये प्रॉफिट निकल के आएगा कितना, 2%, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए सेल, यानी कि एक सेल में एक शॉप जो है ऑफर करती है डिस्काउंट 10% ऑन द मार्केट मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देती है, यानी कि जो टैग लगा होता है उस पर, यानी कि 10% डिस्काउंट दे रही है। व्हाट वुड ए कस्टमर, एक कस्टमर ने जो है एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदी 1450 की, और टू शर्ट्स खरीदी उसने 850 ईच की, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, तो देखो हमें इसमें निकालना है इसका कि उसने कितना कस्टमर ने पे किया, ठीक है। तो सबसे पहले कस्टमर परचेज्ड कितना, तो देखो एक तो जीन्स, यानी कि 1450 रुपीज जीन्स के लिए, ठीक है, और टी शर्ट के लिए कितना, टी शर्ट तो ये है 850 ईच, उसे मल्टीपल 700, तो टोटल सीपी या फिर टोटल मार्केट प्राइस, यानी कि एमपी, तो 1450 + 7 ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा थर्ड, ये टोटल, ठीक है, इतना, यानी कि मार्क प्राइस आ गया हमारा। अब देखो क्या है, डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट एमपी पे दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना है तुम्हारा, 10%, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सॉरी सेलिंग प्राइस एसपी, तो क्या करेंगे, 100 - 10/100 × 3150, यानी 10% हमने माइनस कर दिया, तो 90 × 100 × 3150, 10 से 10 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब क्या है कि 3150 में 9 की मल्टीप्लाई कर दें, 13,1 ये 1 मिनट, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3150 की 9 से, सिर्फ जीरो नहीं है इसमें, जीरो कैंसिल है, 9 × 5 = 45, 3 × 7 = 28, यानी कि उसको कितना पे करना पड़ेगा, 2835 रुपीज, ठीक है, इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलो, यानी कि एक दूध वाला है, उसने अपनी भैंसें जो बफेलो 20,000 रुपीज ईच में, ठीक है, सोल्ड करी है, सोल्ड में बेच दी दोनों को, ठीक है। इन वन ही हैड मेड गेन 5%, एक पे उसको 5% गेन मिल रहा है और दूसरे पे क्या मिल रहा है, 10% लॉस, बताओ कि ओवरऑल गेन और लॉस क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या है कि इसमें ये देखना पड़ेगा हमें दे क्या रखा है, ठीक है, तो हमें पहले एस पी ऑफ अलग अलग निकालना पड़ेगा, वन बफेलो, सॉरी बफेलो, तो इसमें एस पी ऑफ वन बफेलो क्या आएगा तुम्हारा, 20,000, ठीक है, और उस पर क्या है, गेन है, क्या है, गेन, और गेन कितना है, 5%, और हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना, तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो मैंने फॉर्मूला बताया था सीपी निकालने का, सीपी और यहाँ 100 और नीचे 100 + गेन कितना हमारा, 5 × एसपी,
और एसपी सीधा रख देते हैं तो यह 20,000, तो 100 115 × 20,000, ठीक है, यानी कि हमें गेन हुआ उस पर। जब गेन हुआ तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी आएगी, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो यह तुम्हारा 5 से 20 बार 5 से 23 बार, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 44,00,023, इसको डिवाइड कर देंगे 4,00,000/23, 23 × 23 = 7,170, 7, 8, 8 × 16, 8, 7, 7 × 21, 7 × 14, 2 = 16, 9, 3, 69, 1, 2, देखो 10 यहाँ पर आ गया, 10 यहाँ और ये 0, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9, 9 × 27, 9 × 8 = 20, 3, 23 = 23, 7, 23, 3 = 69, 1, ये तो इसका जाएगा 1739.130, ओके। अब देखो इसका सेकंड वाला पार्ट यानी कि एसपी ऑफ अदर बफेलो, यानी कि एक और बफेलो, ठीक है, और कितने की हो, वो भी 20,000 की बेची उसने, और उस पर क्या हुआ, उससे लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस, लॉस कितना हुआ, 10%। हमें क्या निकालना है, सीपी, तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो वही सीपी का 100 100 - 10 × 20,000, 100 / 90 × 20,000, इससे एक कैंसिल, अब ये कट नहीं सकता, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2,00,000 / 9, यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये है 2 / 18, 2, 9 × 18, फिर 2, 9 ×, और यही चलता रहेगा, तो ये है, यानी कि कटने के बाद आएगा 22,000, 22.22, ठीक है, ये वाला, ये आप देखो जरा कि इसमें उसी तरीके से होगा। अब हमें ओवरऑल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओवरऑल, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में देखो टोटल एसपी तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, 40,000, ओके, इसने टू बफेलो, ठीक है, ईच बोल रहा है, और टोटल सीपी, सीपी इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो देखो टोटल सीपी जोड़ेंगे तो आपका यहाँ जोड़ देता हूँ मैं 22, और ये 17391.30, 2, 5, 3, 11, 6, 9, 3, ये तो ये आ जाएगा 39613.52, ओके। अब इसका क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे इसका प्रॉफिट ओवरऑल पे, क्या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ये है कि इसमें से माइनस कर देंगे तो 40,000 में से हम माइनस करेंगे 39613.52, तो 48, और यहाँ पर 4683, ठीक है, ये आ जाएगा 386.48। अब क्या करेंगे इसका परसेंटेज, 386, ठीक है, वैसे इसका बस सिर्फ यही है, इतना ही पूछा है इससे, इससे आगे परसेंटेज नहीं निकालेंगे, क्योंकि यही पूछा है कि फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट्थ वाला, द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000 रुपीज़, यानी कि टीवी का प्राइस जो है वो 13,000 है, और सेल टैक्स चार्जेज यानी कि सेल टैक्स लगाया गया है उस पर कितना, 12% लगाती कंपनी, तो फाइंड द अमाउंट द बिलो बिल हैव टू पे। देखो सेल टैक्स जो होता है तुम्हारा वो इसमें ऐड होता है, यानी कि द सी पी ऑफ टीवी, टीवी यानी कि 13,000, ठीक है, 13,000 रुपीज़, और सेल टैक्स जो है उस पर कितना है, तो वो है 12% लग रहा है, ठीक है। तो विनोद कितना पे करेगा, विनोद पे फॉर टीवी, टीवी के लिए कितना पे करेगा, तो 13,000 × 100 + 12/100, ठीक है। अब 13,000, और हमेशा ध्यान रखो कि टैक्स जो होता है बच्चों को जुड़ता है उसे टू चला जाएगा, तो इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0, 13 × 26, 2, 13 × 30, 13 × 2, 15, 1, 14, तो ये यानी कि इतने रुपए क्या कराएगा, वो पे कराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या निकल आएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है, इतना विनोद पे करेगा, ईजी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे नाइन्थ वाला, देखो नाइन्थ वाले में क्या है कि अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स ऑन ए सेल वेयर इज द डिस्काउंट गिवन बाय द 20%, यानी कि हमको क्या दे रखा है, डिस्काउंट, ये आपका 20%, और अरुण ने पे किया है, ठीक, कितना पे किया है, 1600। अब हमको क्या निकालना है, इसकी ओरिजिनल प्राइस यानी कि एम पी निकालना है, तो एम पी कैसे निकलेगा, अब देखो यार, तो एम पी निकालने का सिर्फ एक है, ये 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रखा है, 20 × 1600, तो 100 / 80 × 1600, इसको से काट देंगे 20 बार, तो कितना आ जाएगा, 2000, तो 2000 रुपीज़, ये ट्राइस फॉर 5400 रुपीज़ इंक्लूडिंग वैट, ठीक है, उसमें वैट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें, टेंथ वाला आई परचेज्ड हेयर ड्रायर, कितने का खरीदा मैंने, 5400 का, ठीक है, और इसमें वैट जो है वो इंक्लूड है आपका 8%, ठीक है, तो प्राइस बिफोर वैट यानी कि वैट लगने से पहले कितना प्राइस था, तो 5400 × 100, और वो है तुम्हारा 108, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 550, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5000, यानी कि 5000 रुपीज़ आपका इसका प्राइस होगा, ठीक है। 11 वाला देखेंगे, तो एक आर्टिकल जो है परचेज किया गया 1, 2, 3, यानी कि आर्टिकल परचेज्ड कितने का, 1239 रुपीज़ का, ठीक है। अब इसको जीएसटी इसमें क्या है इंक्लूड है, वो कितना है, 18%, तो अब क्या निकालेंगे इसका, इसका निकालेंगे प्राइस बिफोर जीएसटी, ठीक है, 1239 × 100 और या 118, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1239 / 118, 118 / 59, 59 पहले 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 5 = 2 9 और 2 से इसे 50 बार, अब देखो यार 59 को इसे डिवाइड करो सीधा, कितने से, 59 से, 59 डिवाइडेड बाय 1239, 2 9 2 = 18 5 59, ठीक है, तो ये कितनी बार आएगा, तो ये आएगा आपका 21 बार, ठीक है, 21 की 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 10 और 1050, तो ये आपका रुपीज इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1050, तो इसका आप क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करें, ठीक है।